जय हिंद अभियान के फाउंडर पुण्य गोपाल सिंह जी और दीपक त्रिपाठी जी हैं। इनका मुद्दा ये था कि गोरबंदर रोड का नाम वीर चिमनजी अप्पा रखा जाए, उसके लिए बहुत प्रयास किए इन्होंने, सीएम साहब को, गवर्नर साहब को और जितने भी अधिकारी हैं, बीएमसी और मीरा भाईंदर और थाने में सब जगह इन्होंने लेटर दिया है। और कुछ दिन पहले सर से मुलाकात हुई, गोपाल शेट्टी सर से, और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे इस जो मुद्दा है उसमें आप मदद करें। तो उन्होंने स्वेच्छा से बोला कि मैं आपके साथ हूँ, और उसी लिए उन्होंने बोले कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये होना चाहिए, और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। गोपाल सर, आप खुद ही आप बताएं। जैन मित्रों, मैं गोपाल सिंह, संग्राम फाउंडेशन का संचालक। सर्वप्रथम तो मैं सर आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप इस मुद्दे को आप इतना सीरियसली लिए। आज वीर सावरकर जी की जयंती है, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं गोरबंदर रोड जिसके बारे में हमने जो ज्ञापन दिया है, पहले करीबन 1700 ईस्वी में वीर चिमाजी अप्पा जी करके एक पेशवा थे, उन्होंने यहाँ से पुर्तगालियों को गुजरात तक उन्होंने भगाया था। और आप देखेंगे वसई का जो किला है वहाँ पे वीर चिमाजी अप्पा जी की मूर्ति भी है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जब पहले, इसके पहले पुर्तगालियों और अरबियों में घोड़े का व्यापार हुआ करता था, इसलिए इस रोड का नाम गोरबंदर रोड पड़ा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि गोरबंदर रोड का मतलब क्या है, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं। अच्छा, ये हम इसलिए गोरबंदर रोड का नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम अभियान चला रहे हैं, जय हिंद अभियान, ये अभियान उन सारे क्रांतिकारियों के लिए समर्पित है। इस अभियान में हमारे साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, सारे क्रांतिकारियों के परिवार के लोग हमारे साथ हैं, और उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, उचित सम्मान दिलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात आई, और हमने इसका ज्ञापन मंत्रालय में भी दिया हुआ है। हमने गोरबंदर रोड के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनको भी हमने इसका ज्ञापन दिया है। सबका मानना है कि नहीं, इसका नाम चेंज होना चाहिए, और इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। ये महापुरुषों के बारे में मेरा ही रुचि का विषय है वैसे, और मेरा ये विषय मुझे लगता है कि बहुत लंबे लंबे तक पहुँचा है, इसलिए गोपाल सिंह और उनके सभी साथी पदाधिकारी गत 15 दिन से मेरे संपर्क में है। एक बहुत बड़ा निवेदन भी उन्होंने मुझे गांव के लोगों का दिया। 2-3 बार बातचीत करने के बाद में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था भी उन्होंने की, और मुझे कहा कि साहब आप आइए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और निश्चित मैं इस काम में उनको सहयोग देने की मेरी मनोमन इच्छा है। लेकिन ये लोकल विषय जो होता है, लोकल लोगों ने उसको हैंडल करना है। मैंने एक अपने राजनीतिक 30 साल के प्रतिनिधित्व जीवन में इस डेकोरम को मेंटेन किया है, मैं सभी को साथ में लेकर चलता हूँ, इसलिए ये नामकरण को अगर बदली करना है तो वहाँ के लोकल लोगों ने आगे आकर करना चाहिए, वहाँ के जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन्होंने इसको पहल करना चाहिए, और उसमें मेरा जो भी सहयोग और योगदान की आवश्यकता होगी वो मैं निश्चित देने का प्रयास करूँगा। वैसे गोपाल सिंह ने बताया कि ये घोड़बंदर नाम का कोई उतना बड़ा मायना नहीं है, घोड़ों का बाजार होता था, या तो फिर घोड़बंदर में रेती निकाला जाता था, रेती का भी एक बंदर हुआ करता था, ये इससे उसका नाम हुआ होगा। लेकिन बदले हुए समय पर एक देश के प्रधानमंत्री ऐसे हमको मिले जिन्होंने पूरा क्रांति देश में लाया, और जो महापुरुषों को फिर एक बार उन्होंने लाइमलाइट पे लाकर लोगों के सामने रखा है, जिससे हमको, हमारे आने वाले पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिले, और यही सही समय है कि हम महापुरुषों को फिर एक बार कहीं ना कहीं प्रस्तापित करें। इसलिए मैं स्वयं चाहूँगा कि ये जो रोड का नामकरण का जो भी बदलाव करना है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में मैं ऐसा हमेशा मान के चलता हूँ कि भगवान जब कोई किसी को भी मेरे पास भेजते हैं तो ये आप नहीं आते हो और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये परमात्मा ही ऊपर से सब करवाते हैं। तो मेरे मन में कल ये आया कि वो वहाँ पर एक जो जंक्शन बना है उसको भी हम वीर चिमाजी अप्पा का नाम दे सकते हैं, और साथ साथ में घोड़बंदर रोड का भी, दोनों को हम चलाएंगे, रोड का भी हो गया और चौक का हो गया, तो उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन मैं मानता हूँ कि हमारे वेस्टर्न लाइन का सबसे बड़ा जंक्शन है। तो ये जंक्शन को नामकरण मैं स्वयं प्रपोज करूँगा, मैं लोकल विधायक, शिवसेना के MP हो गए, हमारे मित्र है शिवसेना के, अभी के विधायक है, पहले के नरेंद्र मेहता, इन सारे लोगों को लेकर, क्योंकि महापुरुष सबके हैं, कोई एक पार्टी का, कोई व्यक्ति का होता नहीं है, तो ये सारे लोगों को लेकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं गोपाल सिंह और उनके सभी साथी पदाधिकारी उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़े काम को लेकर आगे चल रहे हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य प्राप्त होना एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये मन में आपका आया है, आप मेरे पास आए हैं, तो मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूँ, ये चौक का तो मैं 100% करवा लूँगा, और ये नाम का भी सबकी सहमति होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों काम हम आगे आने वाले दिनों में यशस्वी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा देश
कई नामों से जाना जाता है। कभी कोई इसे सोने की चिड़िया कहा करता था, कभी इसकी तारीफ होती है कि ये वो देश है जहां हर रिलीजन, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, विविधता में भी अनेकता है। पर मुझे कभी कभी देश के चलने के स्टाइल में या उसको शासित करने के स्टाइल में या रहने के स्टाइल में कई विडंबनाएं दिखती हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे कि ये बात बार बार उठ रही है, और आजकल हमारी जो एक संस्था है जो जिसका नाम है हमारा जय हिंद अभियान, जिनके योद्धा है गोपाल सिंह जी और दीपक जी, जिसके साथ हमारे शिंदे जी भी जुड़े हुए हैं, गोपाल शेट्टी जी भी इसमें हम सहयोग दे रहे हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूं कि मुझको ये बताया गया कि सर पूरे देश में तो होना चाहिए, पर हमारे यहाँ पर मुंबई के नजदीक ही लगी हुई एक जगह है जिसका नाम है घोड़बंदर रोड। मैंने कहा हाँ है, घोड़बंदर किला बोलते थे हम, वहां शूटिंग करते थे। बोला सर क्यों नाम है घोड़बंदर किला उसका नाम? उसकी हिस्ट्री में जब गए तो मालूम पड़ा कि पुर्तगालियों ने वहां पर, जब पुर्तगालियों का शासन यहां तक पहुंचा हुआ था, उस वक्त मराठों के एक वीर चिमाजी अप्पा ने लड़कर अपनी शौर्य से पुर्तगालियों को मार भगाया, गुजरात तक खदेड़ दिया उनको। फिर सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ किसी ने इस बार पे ध्यान नहीं रखा कि इस चौक का नाम घोड़बंदर किला क्यों रखा, क्यों नहीं वीर चिमाजी अप्पा, क्यों नहीं वीर चिमाजी अप्पा चौक रखा जाए उसका नाम। ये बात उठी, मुझे भी अच्छी लगी, इवन गोपाल शेट्टी जी को भी अच्छी लगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हमारे जय हिंद अभियान दल ने लिख कर भी लेटर दिए हुए हैं, हमारे सचिवालय में भी दिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसका नाम चेंज किया जाए। क्यों नहीं किया जाए, किया जाए ताकि किसी को मालूम पड़े कि हमारे देश के क्रांतिकारी कौन थे। वीर चिमाजी अप्पा के नाम पर अगर वो इतनी इतनी जगह मशहूर है कि पूरे गुजरात की क्राउड यहां से आती है, यहां से थाना आता है, यहां से आता है, उस चौक का नाम आज भी लोग उसको या तो फाउंटेन होटल के नाम से जानते हैं, मिलने की जगह बनाते हैं, या घोड़बंदर कहते हैं। मेरी अपील है, और हमारे इस खास तौर पर जय हिंद अभियान की तरफ से अपील है कि उसका नाम बदल कर वीर चिमाजी चौक रख दिया जाए, ताकि किसी बहाने हमारे देश के कर्णधार आज के युवक जान तो पाए कि हमारे देश में कैसे कैसे वीर थे। मुझे खुशी है कि आज गोपाल शेट्टी जी ने अपने प्रेस में ये बात उठाई है, और मुझे मालूम है कि वो जिस चीज़ को उठाते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके बीच में कोई राजनीति बीच में नहीं आए, क्योंकि ये किसी पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। तो मैं इस अभियान के साथ हूँ, मैं इस पर्टिकुलर अभियान के साथ हूँ, और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये चीज़ बदलाव लानी चाहिए।